पाकिस्तान के दिग्गज पत्रकार हामिद मीर के पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर एक के बाद एक खुलासे पर पाकिस्तान की सियासत में तूफान आया हुआ है। दरअसल पहले तो हामिद मीर ने कहा था कि बाजवा कश्मीर को लेकर भारत के साथ डील कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसी से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा किया है। हामिद मीर का कहना है कि भारत के NSA अजीत डोभाल और जनरल बाजवा के बीच सीक्रेट बातचीत हुई थी और इसी बातचीत में दोनों ने सीज फायर समझौते पर बात की थी। खुद बाजवा ने PM मोदी की यात्रा के कार्यक्रम को तय किया था, यहाँ तक कि उन्होंने इसकी खबर तत्कालीन PM इमरान खान को भी नहीं लगने दी थी। हामिद का कहना है कि बाजवा ने ये सब ये जानते हुए किया कि भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया है और पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक भी की थी। हामिद मीर का कहना है कि बाजवा भारत के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए तैयार थे और वो इसके बदले में नोबेल शांति पुरस्कार चाहते थे। उन्होंने साल 2021 में भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशक से 24 और 25 फरवरी 2021 की आधी रात से LOC और अन्य सभी क्षेत्रों में सभी समझौते समझ और सीज फायर विराम का कड़ाई से पालन करने के लिए सहमति जताई थी। हामिद मीर का ये भी कहना है कि जब ये सब कुछ चल रहा था तब इमरान खान इस पूरे मामले से बेखबर थे, यहाँ तक कि जब इसकी भनक तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को लगी तो उन्होंने इमरान से इस बारे में पूछा था, लेकिन इमरान ने कहा था कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आपको बता दें कि हामिद मीर ने इससे पहले खुलासा किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाजवा ने कहा था कि भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास टैंक हैं और न ही पाक फौज में भारत से जंग लड़ने की ताकत है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर के खुलासे पाकिस्तानी सेना और सरकार की अंदरूनी कमजोरियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज की हालत पर हामिद मीर का ताजा हमला साफ करता है कि वहां हालात और जज्बात दोनों ही हुक्मरानों के साथ नहीं है।